हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि क्वेश्चन में दिया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपये 3900। एक कोच जो है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में। लेटर शी बायस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपये 1300। उसी तरीके का एक बैट और 3 बॉल खरीदता है 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इस सिचुएशन को क्या करना है, अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बैट का जो कॉस्ट है वो एक्स ले लेंगे और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो वाई ले लेंगे। तो हम ले लेंगे यहाँ से लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपये एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपये वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा एक बैट का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपया है, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x, फिर प्लस एक बॉल का जो कॉस्ट है वो y रुपया है, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y। दोनों मिला करके कितना दिया हुआ है 3900 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमको क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन मिल जाएगा। फिर दोबारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोबारा क्वेश्चन में बोला गया है कि उसी तरीके का एक बैट खरीदता है और 3 बॉल खरीदता है। तो एक बैट का कॉस्ट एक्स हो गया, 3 बॉल का कॉस्ट क्या हो गया 3y, दोनों मिला करके कितना लगता है 1300 रुपये लगता है। ठीक है, तो ये हो गया 1300। ये यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2। तो हमारा क्या हुआ, अलजेब्रिकली जो है ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन का दो दो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों इक्वेशन से क्या करते हैं, दो दो सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमको पहला इक्वेशन दिया है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो यहां से हम क्या करेंगे, दो दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये अपना x हो गया, ये y हो गया। तो x इक्वल टू पहले क्या रखे 100, तो 3 × 100, तो ये क्या हो जाएगा 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो यहाँ से 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3900, ये प्लस है 300 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 300। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3600 डिवाइड बाय 6। ये 6 × 1 = 6 हुआ, 6 × 6 = 36, 6 × 0 = 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया 600। अब उसी तरीके से हम क्या रखें, x इक्वल टू 200 रखें, x इक्वल टू क्या रखें 200, तो 3 × 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 600 प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो यहाँ से हम 6y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3900, ये प्लस 600 है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 600। तो हम यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3300 डिवाइड बाय 6। ये 6 × 1 = 6 हुआ, 6 × 5 = 30, बचा इसके पास 3, फिर हो गया ये 6 × 5 = 30, 6 × 0 = 0, तो ये कितना आ गया अपना 550। ठीक है, तो ये पहले वाले इक्वेशन का क्या हो गया अपना, दो सॉल्यूशन निकल गया। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन हमको दिया है वो क्या है, सेकेंड वाला इक्वेशन वो है अपना एक्स प्लस 3y इक्वल टू रुपये 1300। तो ये अपना हो गया एक्स प्लस 3y इक्वल टू कितना है 1300। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम x इक्वल टू क्या रखें, इसमें भी 100 रखें, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 100, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 1200 डिवाइड बाय 3। ये 3 × 1 = 3 हुआ, 3 × 4 = 12, 3 × 0 = 300। तो एक्स इक्वल टू 100 रखे तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 400। ठीक है,
अब x इक्वल टू रखते हैं 400, तो x इक्वल टू हम क्या रखें यहाँ पे 400 रखेंगे, तो x इक्वल टू 400 रखे तो देखते हैं क्या आता है। x इक्वल टू रखे 400 प्लस 3y इक्वल टू ये कितना हो गया 1300, तो 3y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1300 माइनस 400, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 3, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 300, तो y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आ गया 300। तो जब हम x इक्वल टू रखे 400 तो y का वैल्यू क्या आ गया 300। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्राफ में x कोऑर्डिनेट को पहले लेना है हमको हमेशा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट को क्या करना है, पहले लेना है। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते, ये अपना x हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा x डैश, ये अपना हो गया y और ये वाला क्या हो जाएगा y डैश। तो अपना x का वैल्यू क्या है 100 200 100 400, तो हम 100 से लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 100, फिर ये हो गया 200, ये वाला हो गया 300, ये हो जाएगा 400, ये हो गया 500 और ये कितना हो जाएगा 600। उसी तरीके से इधर क्या आ जाएगा -100 -200 -300 और डॉट 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 दिखा देंगे। उसी तरीके से y का वैल्यू भी ले लेंगे हम सेम 100 200 300 400 500 और ये अपना क्या हो गया 600 और ये अपना क्या हो जाएगा -100 -200 इधर क्या हो जाएगा -300। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू ले रहे हैं इसमें वेरिएशन आ सकता है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ में लेंगे तो वहाँ पे जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो पहला अपना पॉइंट क्या, 100 और 600, तो x का 100 यहाँ पर है, y का 600 कहाँ है, यहाँ है, तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया a 100, 600। फिर दूसरा वाला क्या है 200 और 550, तो x का 200 y का 550, तो y का 550 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा लगभग, तो ये अपना हो गया, ये क्या हो गया 200 और 550, ये अपना क्या हो जाएगा b। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये जिस इक्वेशन का लाइन है, ठीक है, उसको लिख देंगे, तो किसका है ये 3x + 6y = 3900। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या है, x इक्वल टू 100 है, y इक्वल टू 400, तो x का 100 y का 400, तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये अपना क्या हो गया c, जो कि क्या है 100 और क्या है 400, y का क्या है 400। फिर दूसरा वाला क्या है 400 और 300, तो x का 400 और y का 300, अप्रोक्सीमेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। जब आप इसको ग्राफ में लेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ये हो गया x का 400 और y का क्या हो गया 300, ठीक है। तो अब इससे भी हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जिस इक्वेशन का लाइन है उसको लिख देंगे, तो ये किस इक्वेशन का है, x + 3y = 1300। तो ये अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।